चली बताइए जी कहे खातिर मेला लागल में कितना दूर पहले से मेला लागल उनका से पत्र के साथ नजर आता है प्रीति पर सवाल कहते हैं सोमिया पोखरे लोग सबके साथ नजर आते हैं नजर आते हैं उसके साथ नहीं अब उसका साथ श्वेता पटेल का साथ भी है क्या साथ भी Please subscribe my channel. अब देखिए अब यहाँ लौतन सिसवा लौतन जो गांव बोला जाता है विशाल यादव का गांव यही गांव है और यही पार करके हम लोग पहुँचेंगे वहाँ करैया माई मेला में या माई मेला से अब घुस रहे हैं हम लोग बाइक स्टैंड में चलिए काट लीजिए देखिए ये भाई का टिकट है ये बाइक स्टैंड का नाम क्या है भैया साहिल अंसारी साहिल अंसारी दिखा दीजिए 227 227 हम लोग का है टिकट नंबर ठीक है कुर्सी नहीं भुलाना चाहिए ठीक है बोलिए 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 6 बजे तक आना पड़ेगा यहाँ ठीक है मैं अभी आ गया हूँ मेला में और चलिए 15 मिनट में यहाँ पे आपको दिखाएंगे और यहाँ स्टैंड में लगा रहे हैं साइकिल का और स्टैंड में 70 रुपए लगेगा हर एक साल आइएगा सेफ रहेगा ये भैया मेरा रिक्स ले रहा है ये भैया रिक्स ले रहे हैं ठीक है चलिए लगाइए उस पार देखिए चलिए आ गए करिए मैं मेला में और यहाँ पे मिल गए मेरे साजन भैया कैसा आप खबर है वीडियो बनाओ जाते नहीं मध्य ब्लॉग के सपोर्ट करिए वीडियो के जाके ठीक बा हमारे चैनल पर अगला करते हैं स्टैंड नहीं है ऐसे ही रखे पर यहाँ सेफ नहीं है थोड़े पैसे का मौका करेंगे तो खत्म हो जाए कहीं भी मेला में जाइए तो स्टैंड में ही लगाइए बाइक मेरे इस माही मेला का प्रवेश द्वार है ये प्रवेश द्वार उधर से हम लोग साइड से घूम रहे हैं और आपको मेला भी घुमाएंगे और यहाँ का कुछ खासियत जानने की भी कोशिश करेंगे अरे यहाँ तो पोखरा है यार वही कारण हम लोग का पता नहीं है पहली बार और दोस्तों मैं इस मेले में पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं यहाँ का खासियत क्या है फिर भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या है और कहाँ पे है और यहाँ पे ये सामान है ये पोखरा है और पोखरे के आठ पे चारों तरफ मेला लगा है और इसमें बाउंडिंग खत्म हो गया यार कहाँ से बाउंडिंग था बाउंडिंग खत्म हो गया पीछे के बगल बाउंडिंग नहीं किया गया है और ये पोखरे के चारों तरफ मेला लगा है और यहाँ पे तो है मंदिर देख सकते हैं मंदिर में थोड़ी देर के बाद हम लोग के चलेंगे आपको तो चलिए मंदिर में दर्शन करेंगे उसके बाद वीडियो बनाएंगे आगे की है सब कुछ है यहाँ पर भी पता नहीं यहाँ पे मंदिर है मांसाहारी होगा कि नहीं पर यहाँ पर भी ओ भैया क्या हाल है टिकटॉक के स्टार है ये कौन सुमानिया है बुलाइए ना पहचान का है तो उसका इंटरव्यू लेंगे थोड़ा आपका नाम रख दीजिए बुलाइए ना हाँ उसको पहचान है बुलाइए ना उसको छोड़ दीजिए तो लपड़ा हो जाएगा हस्बैंड के साथ है अरे भैया हम लोग फ्रेंड है टिकटॉक में तो चलिए प्रिंस राजा है ये सबके साथ नजर आता है प्रीति पे सवाल कहते हैं सोमिया पोखरे लोग सबके साथ नजर आते हैं नजर आते हैं उसके साथ नहीं अब उसका साथ श्वेता पटेल का साथ भी है तो चलिए मेला घूम रहे ना एंजॉय कर लिए चलिए बने रहिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ और यहाँ पे ये क्या बताया हंसुआ खुरपी पता नहीं यार आपके एरिया में क्या कहा जाता है पर हमारे एरिया में ही कहते हैं हथियार है खाना बनाने वाला घास काटने वाला लकड़ी काटने वाला सब कुछ मिलता है साँग
चिड़िया माई बुला रहा है इनको, इसीलिए चिड़िया माई याद आ रहा है। फ्लॉट के ना देखा जाओ पीछे मिष्ठान दुकान है और यहाँ पे मंदिर, तो चलिए पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। कुछ भी यार आज पूर्णिशा क्या बोलते हैं, पूर्णवासी है ना, तो हम लोग पहले दर्शन करेंगे इस मंदिर में। बाबा से सब कुछ लग देखेंगे क्या कहा होगा। और अभी मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ और देख सकते हैं आप यहाँ पे बलि भी चढ़ता है, और मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है यहाँ का ये जो सर होता है ना बलि चढ़ाया हुआ, वो रिटर्न नहीं ले जाते, कोई भी घर नहीं ले जाते। देखिए यहाँ पे क्या है, हाँस परेवा खसी बोका है, और ये ऐसा क्यों किया गया है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं मेला के मकसद से आया हूँ देखने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पे, और आपको बता रहा हूँ। तो चलिए किसी से हम पता करेंगे कि यहाँ का खासियत क्या है, मेला क्यों लगता है, और ये बलि चढ़ाया जाता है, और मंदिर में ऐसा ये जो है ये त्रिशूल है, शायद त्रिशूल ही है, त्रिशूल क्यों बनाया जाता है, चलिए तो हम जानते हैं किसी से। मेला कितना दिन पहले से लागेला और काहे लागेला, मतलब कारण कथी है, और बलि भी चढ़ेला नु बताओ आई ये बाबा जी बताएंगे, जरा बता हेने दे। ये बाबा जी से हम लोग जानने के प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे मेला क्यों लगता है और कब से लग रहा है, कितने दिनों से लग रहा है, यहाँ के अहमियत क्या है, तो चलिए बताइए जी कहे कहते मेला लागे, कितना दिन पहले से मेला लागे, कैसे पता लगेगा बाबा जी। ना समिति है तो 10 बजे से आते हैं, 10 बजे से आते हैं तो कुछ पता होगा ना, थोड़ा बताइए ना, तो उनको बताए तो हो जाएगा समिति का है ये, इनसे पता करते हैं। बाबा जी बोल रहे हैं मुझे क्लियर पता नहीं है, तो क्लियर जानना हम लोग को जरूरत है, तो चलिए समिति का आदमी से जानना चाहिए, थोड़ा हो जाइए आप। मेला कितना दिन से लगा था? बहुत जन्मजुड़ी मेला हुआ, लगभग 50 साल साल पहले से, 50 साल से लगा, 40-50 वर्ष से पहले से लग रहा है ये मेला। यहाँ का मतलब खासियत कथी बाटे, मेला लागे के कारण कथी हटे, कोरोना वजह से मेला लागल, कोरोना वजह से मंदिर खाते हुए मंदिर के 40 साल हो गए, 40 साल मंदिर हो गए, कोरोना वजह से यह स्थापित होल भेज गया है, पीपर के गाछ में कराहिया माई कह के जाए, ओकरा बाद से मेला लागे ला अगाड़ियों लागे बलि कथी कथी के चढ़े ला हाँस परेवा खसी परेवा तो चलिए हमारे ब्लॉग में इतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को, इतना ही समझिए यहाँ का महिमा आ पा रहे, इसीलिए सब लोग आते हैं। यहाँ पर वीडियो शूट हुआ उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने बाबा जी लोग देखेंगे तो कि आप अगर मंदिर में है तो उस मंदिर की खासियत जानिए, इसके बाद वहाँ पे काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बाबा है आपसे कोई भी पूछ सकता है और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये आपकी गलती है। तो आप लोग जब भी बैठिए किसी मंदिर में तो वहाँ का खासियत कुछ जानिए, मैं भी घर में मेला जो वहाँ पे लगता है तो आपको पता होना चाहिए, मैं घर में मेला में वहाँ पे जो जिस दिन बलि चढ़ता है मैं मंदिर के पास में रहता हूँ, और गरीब भाई के बारे में मुझसे पूछिए, मैं आपको 90% का पूरा जवाब दे दूंगा, यहाँ पे क्यों मंदिर है, किस वक्त से है, क्यों आया है, ऐसा सब बता दूंगा। पर यहाँ का बाबा लोग कुछ पता नहीं, मैं बाबा नहीं हूँ, मुझे पता है क्योंकि मुझे मैं उस एरिया का हूँ, इसलिए मुझे पता करके रखना है कि ये जरूर लगेगा, चाहे कोई पूछ सकता है, पर यहाँ का बाबा लोग को ये पता नहीं है कि मेरा क्यों Thank you.
देखावा तभी तो मेला में ही हो आएगा तो लड़का लो चल में झूले खातिर देखिए नचा रहा है कोई कोई देखिए हाँ ये छोटा ड्राइवर अरे लाइसेंस है तुम लोग के पास लाइसेंस नहीं है ये नॉन लाइसेंस ही है ये हमें कोई घर में दिखा रहा है हम लोग को आते हैं तो सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे बच्चा सब खुद खान कर रहा है ये था ये सबसे पुराने जमाने का खेल है देखिए ये बुआ लोग कोई ज्यादा कुछ नहीं किया है छोटा सा जुआ लगाए काट लिया पैसा लिया और वो क्या करता ये झाड़ पात मिलता है ना वो पानी में उसी को बांध कर लिया मजा है कमाने का माँ है चलो दाढ़ी पी रहा है घुमाएंगे इधर बोलेंगे इधर नहीं तो सब समझेंगे मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है झुलवा भी स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट होने से पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस जगह के और ये जगह में क्या होता है ये मंदिर के ठीक सामने बाहर लोग दारू पीते हैं और मांस खाते हैं देखिए होना चाहिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बलि चढ़ता है होना चाहिए यहाँ पे बलि चढ़ता है होना चाहिए नहीं राजा खाते नहीं बुरा उसे देखेंगे देखेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कंजूस है कंजूस नहीं है यार इस मेला में ना आने वाले तीसरा कहा यही मिलता है तो खाए क्या खिला दीजिए सब खाइए तो वीडियो अब रात हो गया थोड़ा क्लियर व्यू नहीं आएगा तो वीडियो को एंड करेंगे बाइक लेंगे और चल जाएंगे घर पे तो आप जो यहाँ तक वीडियो का साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करके ही निकलिएगा तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में।